नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मदन गायकवाड़। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने रेसुरेक्शन रिमिक्स वर्जन 6 ये रॉम अपने शॉमी मी वन में इंस्टॉल किया था, तो उसके टॉप फीचर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करिए अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस रॉम का मेन फीचर आता है डबल टैप टू स्लीप और डबल टैप टू वेकअप। दोस्तों, काफ़ी कमाल का फीचर है। और दोस्तों, आप स्टेटस बार से भी डबल टैप टू स्लीप कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कमाल का फीचर है इस रॉम का। दोस्तों, फिंगरप्रिंट अनलॉक स्पीड भी सेम टू सेम है हमारे स्टॉक रॉम जैसा ही। और दोस्तों, एक और इसका स्टाइल मुझे काफ़ी कमाल का लगा, जैसे मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ तो ये एंड्रॉयड पी की मुझे याद दिलाता है, जो एक वर्टिकल अलाइनमेंट में हमें फ़ोन ऑफ और स्टार्ट करने का मेनू मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी कमाल का लगता है। दोस्तों, और एक फीचर दोस्तों इसका काफ़ी कमाल का है, जैसे फ़ोन अपना लॉक होता है और जब हम वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करते हैं लॉक में, तभी इसका म्यूज़िक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक प्ले करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का भी डर है दोस्तों। तो उसके बाद ये काफ़ी कमाल का फीचर है। तो दोस्तों, चलते हैं रॉम के ऐप ड्रॉवर में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं, जैसे कि गूगल का जी कैम आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, आप इक्विलाइजर भी देख सकते हो। यस दोस्तों, आपको बाय डिफ़ॉल्ट इक्विलाइजर भी मिलता है और काफ़ी कमाल का इक्विलाइजर है। उसके बाद दोस्तों, आपको FM रेडियो भी देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में आपको प्ले करके दिखा है, तो उसका कॉपीराइट जरूर आ जाएगा दोस्तों, पर आपके लिए कुछ भी बनता है। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट गैलरी ऐप भी आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों, काफ़ी कमाल का एक ऐप जिसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी कमाल का है। उसके बाद दोस्तों, आपको म्यूज़िक ऐप भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो लीनेज OS में होता है। उसके बाद दोस्तों, चलते हैं अबाउट फोन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चल रहा है एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन पे 8.1.0 पे। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है 5 अप्रैल, जो लेटेस्ट वन है। उसके बाद दोस्तों, देखते हैं फ़ोन के अंदर में क्या क्या मिलता है। दोस्तों, इस रोम का मेन फीचर है इसका कस्टमाइजेशन। हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि क्लॉक एंड डेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉक ऑन डेट के फॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हो, और क्लॉक की पोजीशन भी आप यहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर ऐसे कर सकते हो। तो दोस्तों, इस रॉम में आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सेकंड भी शो कर सकते हो, डेट भी शो कर सकते हो, क्लॉक लेफ्ट राइट सेंटर में भी ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों, नीचे नेटवर्क ट्रैफिक, मतलब दोस्तों आपका जो डेटा स्पीड है, कितने से डाउनलोड हो रहा है, कितने से अपलोड हो रहा है, वो भी दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों, मेन फीचर आता है बैटरी का जो आइकन है वो कैसे शो करना है, जैसे कि पोर्ट्रेट, जैसे कि सर्कल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी दोस्तों काफ़ी कमाल का कस्टमाइजेशन है और मान गया इस रॉम को, जो बहुत दिनों से दोस्तों ये रॉम बहुत सारे फ़ोन को मिल रहा है और यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटरी का आइकन आपको जैसा चाहिए वैसा आप इस रॉम में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, और यहाँ पे आपको दोस्तों बैटरी चार्जिंग का एनिमेशन का कलर भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब जब आप चार्जिंग पे फ़ोन लगाते हो तभी बैटरी का जो चार्जिंग का जो दिखाएगा, शो करेगा, उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे स्टेटस बार, वेदर, ब्रांड लोगो, मतलब जो रोम का लोगो है वो साइट में आ जाएगा, और वो भी आप एक स्टाइल के लिए रख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको इस रोम को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, पैनल्स इसका भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इस फीचर के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर इतना पता है कि हम स्टेटस बार के जो ऊपर का हेडर होता है उसका कलर, उसकी इमेज चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका इमेज जो है हेडर की, वो कैसी चेंज होती है। तो स्टैटिक इमेज, नो सिलेक्ट इमेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम स्टेटस बार नीचे कर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेडर का कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, जैसे आप रोकेंगे वैसा ही चेंज हो जाएगा। तो ये फीचर दोस्तों मुझे MIUI के रॉम में देखने को
मिला था जो हमें स्टॉक एंड्रॉयड की रोम में भी दिखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है, आप अपनी भी इमेज वहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्विक पुल डाउन जब भी नोटिफिकेशन आते हैं उसके कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको रिसेंट मेनू का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है कस्टमाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे रिसेंट मेनू में अपने फ़ोन की कितनी रैम बची है ये भी देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो हर एक कस्टमाइजेशन के ऑप्शन फीचर में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर दोस्तों काफ़ी कमाल का रोम है और इसमें बहुत सारे दोस्तों कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लॉक स्क्रीन में भी कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है और सबसे कस्टमाइजेशन मुझे अच्छा लगा वो बटन्स का। तो दोस्तों यहाँ पे आप हार्डवेयर कीज़ यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, और दोस्तों आप चाहते हो कि आपके हार्डवेयर की चले पर उनके जो बैक लाइट्स है वो ऑफ हो जाए तो वो भी आप कर सकते हो। आपके हार्डवेयर कीज चलेंगे और बैक लाइट भी ऑफ हो जाएगी। तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर कीज कम्प्लीटली ऑफ हो जाए तो भी ये भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है नेविगेशन बार का। तो ये काफ़ी कमाल का कस्टमाइजेशन है, जैसे आप इसे इनेबल करते हो तो नीचे नेविगेशन बार इनेबल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो जैसे पिक्सल फ़ोन में नेविगेशन बार होते हैं वैसे ही ये दिखते हैं। उसके बाद दोस्तों सिस्टम एनिमेशन, तो यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हो। और दोस्तों कमाल का फीचर लगा गेचर्स का, तो यहाँ पे मैंने एक गेचर म्यूजिक का ड्रॉ किया है। तो जैसे मैं म्यूजिक का एम ड्रॉ करता हूँ दोस्तों तो ये म्यूजिक प्लेयर ओपन करता है। वैसे दोस्तों आप कौन सा भी एक लेटर ड्रॉ करके यहाँ पे गेचर का मज़ा ले सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर लगा। तो उसके बाद दोस्तों बहुत सारे फीचर है तो हर एक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दोस्तों रोम तो बहुत बढ़िया है, इसके मेन हाईलाइट फीचर लगे इसका बैटरी बैकअप दोस्तों, इसका टच रिस्पॉन्स और एंड्रॉयड 8.1 और दोस्तों बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन। तो दोस्तों रोम कैसे इंस्टॉल करना है इसका वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बनाया है, अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और दोस्तों इस रोम का कौन सा फीचर कौन सा कस्टमाइजेशन आपको अच्छा लगा वो कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना, इस वीडियो को शेयर भी करना।